से जावा क्लासिक। क्लासिक नाम सुनते के साथ क्लासिक वाली फील आनी चाहिए ना, वो एग्जैक्टली इस बाइक के अंदर आएगी। आपकी स्क्रीन पर है जावा क्लासिक, ये भी 350cc सेगमेंट के अंदर आने वाली बाइक है। 215,000 रुपये में इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल वेरिएंट में मिलेगी और तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक जो आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा ब्लैक एंड तीसरा मैरून कलर। ये तीन कलर के साथ ये अवेलेबल हो जा रही है। इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्लासिक वाइब पूरी मिलने वाली है। 1970 में जो जावा आपको आती थी ना, मेरे फादर जानते हैं उस चीज़ को अच्छे से, वो कैसी दिखती थी, वो वाली फील यहाँ पर मिलेगी। हर एक पार्ट के अंदर डिटेलिंग डीपली की गई है एंड वो वाइब पूरी देने की कोशिश की है। और इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, चलो जानते हैं इसी वीडियो में। जो यदि आप जावा 42 से कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये वैसी ही रहने वाली है, नो, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर बड़ा इंजन मिल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी। और इसकी हर एक डिटेलिंग जो आप गौर से देखोगे ना, तो आपको क्लासिक वाइब भी आएगी एंड आपको लगेगा कि यस यार यहाँ पे थोड़ा सा जो काम हुआ है वो थोड़ा सा प्रीमियम है। हमने जो इससे पहले जावा बाइक देखी है उसके कंपेरेटिवली, आप चाहे इसकी हेडलाइट यूनिट से स्टार्ट कर ले, चाहे आप इसके पीछे के टेल यूनिट तक आप चले जाएं, सब कुछ वो मिलने वाला है। 1970 की वाइब आपको मिलने ही मिलने वाली है। इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, चलो चलिए जानते हैं। फ्रंट में आपको क्लासिक बाइक की याद दिलाने के लिए, क्लासिक वही फील दिलाने के लिए जावा की हेडलाइट हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। सारी चीज़ें यहाँ पर हेलोजन में मिलेगी, क्लासिक फील और वाइब आपको यहीं पर आएगी। एंड यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, जनरली लोग प्लास्टिक में देते हैं, बट यहाँ पर ये वाला पार्ट ग्लास में दिया गया है। ड्यूल हॉर्न आ जाएंगे, हॉर्न के ऊपर भी जावा ने डिटेल के साथ काम किया है। यहाँ पर जैसे आप ब्रास टाइप फीलिंग लेंगे, ब्रास कॉपर आप कुछ बोल दीजिए, उस टाइप की यहाँ पर फीलिंग आपको नजर आएगी। क्रोम के साथ हॉर्न को कवर किया गया है, टेलोस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में नजर आएगा, इसको कवर रखा गया है एंड मेटल में इसका फ्रंट और रियर मडगार्ड मिलेगा। और मडगार्ड पे भी आपको क्रोम टच यहाँ पर दे दिया गया है प्रीमियम फील कराने के लिए। एंड साइड बाय साइड मडगार्ड की जो लेंथ है ना, जो आजकल जो बाइक सारी जिसमें शॉर्ट लेंथ के मडगार्ड मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसको फुल लेंथ के साथ मडगार्ड दिया गया है एंड क्लासिक वाइब के लिए ऊपर एंड नीचे दोनों तरह कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील नहीं मिल रहे हैं, स्पॉक्स व्हील मिल रहे हैं लेकिन ट्यूबलेस टायर के साथ। टायर डायमेंशन यहाँ पर मिलेगी 190/18 की और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक के साथ टायर मिल रहे हैं। जो डिस्क डाया है वो 280mm का है, डिस्क विद ABS मैं बोलूँगा। यहाँ पर इसका ये है कूलिंग मैकेनिज्म, लिक्विड कूल इंजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये इसका कूलेंट एरिया है। और यहाँ पर मिल रहा है 334cc का लिक्विड कूल इंजन, जो जावा 40cc इसको टोटली डिफर कर दे रहा है। एंड यहाँ पर ये इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा 22 PSK एंड टॉर्क देगा 28 Nm का। दोनों जो है एग्जॉस्ट फंक्शनल देखने को मिलेंगे, BS6 फेज 2 कंप्लायंस ये इंजन नजर आएगा। एंड यहाँ पर इंजन पर आप देखिए क्रोम का डिटेलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको क्रोम टच देखने को मिलेगा, जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, हर एक जगह आपको क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा, साइड भी क्रोम टच यहाँ पर नजर आएगा। सिंस 1929 यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह है एंड ये सारी चीजें दे दी गई है। 6.6 स्पीड के साथ ट्रांसमिशन नजर आएगा एंड क्रोम टच यहाँ पर भी नजर आएगा। और इसके साथ साथ इधर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा बैटरी का हाउसिंग, राइट हैंड साइड यहाँ पर मिलेगा आपको इसका ग्लो बॉक्स या टूल बॉक्स, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, वो आप नाम दे सकते हैं। पीछे की तरफ कोइल स्प्रिंग शॉक्स मिलेंगे एंड ये 5 प्री एडजस्टमेंट सेटिंग के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर नजर आएगा डिस्क ब्रेक, वो भी ABS के साथ, और 240mm का यहाँ पर डाया नजर आएगा। रियर टायर की डायमेंशन रहेगी 130/80R17 की, सामने का 18 इंच का, रियर का 17 इंच का, और इसका जो विड्थ एरिया है जावा 42 से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस 17 एंड 18 इंच के टायर की वजह से मिलती है 174mm की। बाकी इसका व्हील बेस एंड लेंथ जो है आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको जो सेडल हाइट है वो मिल जाएगी 804mm की एंड 194kg के साथ। ये हारी क्लासिक से थोड़ी सी 1kg लाइटर देखने को मिलेगी। बाकी सीट जॉइंट में मिल रही है, स्प्लिट नहीं है एंड यहाँ पर पैसेंजर के ग्रैब दे दिए, ऑफर कर दिए गए हैं एंड रियर मडगार्ड आल्सो इन मेटल। और यहाँ पर सारी गार्ड जो है, जो जनरली एसेसरी का पार्ट होता है, एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, दैट इज द गुड थिंग।
और फ्यूल टैंक की बात करें तो 13.2 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलेगा। एंड फ्यूल टैंक पे हर एक पार्ट की डिटेलिंग देख लीजिए, आपको क्लासिक वाइब यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप फ्यूल लिड देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्रोम एंड कॉपर का टच यहाँ पर देखने को मिलेगा और सेम क्रोम टच आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रीमियम साइज का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका हेडलाइट यूनिट देख रहे हो ना, ये बिल्कुल 70 की याद दिलाएगी, जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है। पहले भी जावा के अंदर इसी टाइप से एक्सटेंडेड पोर्शन देखने को मिल रहा था, सेम यहाँ पर आज भी देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर आपको क्लासिक फील के लिए इस चीज को कैसे बोल सकते हैं, इसको भी वही वाइब मिलेगी यहाँ पर क्लासिक वाली। पूरा अनालॉग स्पीडोमीटर दिया है एंड इसके अंदर भी आपको कॉपर इंसर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बीच में एक हल्की सी MID जिसके अंदर जैसे भी साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पर वो साइड स्टैंड नजर आ रहा होगा। बाकी बाद में इसमें गियर इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ABS की लाइट, न्यूट्रल, फ्यूल गेज, ये सारे फंक्शन जो है यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे। तो माइन्यूटली डिटेल किया है एटली। ये बटन है जैसे यहाँ पर साइड इंडिकेटर, ये है आई लो बीम, ये पास का बटन, ये हॉर्न, एंड इधर आपको नजर आएगा स्टार्ट स्टॉप का बटन। और हजार्ड लैंप ऑन करने हो तो यहां से हजार्ड लैंप से मतलब चारों इंडिकेटर जैसे लाइक ऐसे फ्रंट एंड बैक इसी बटन की हेल्प से आप ऑन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक स्टार्ट ये बाइक मिल जाएगी। तो कैसी लग रही है ये बाइक, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा आपको लगता है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी राइवल्स की बात करें तो होंडा CB 350, हारी क्लासिक 350 और इसी सेगमेंट में आपको बहुत सारी बाइक देखने को मिलेंगी। इसके लिए कितना टफ कंपटीशन है आप समझ सकते हैं। हारी क्लासिक को बीट करना बहुत ईजी नहीं है जावा क्लासिक के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।